क्या कभी तुमने सोचा था कि एक दिन एक ऐसी पिक्चर बनेगी जिसमें धर्मेंद्र जी रोल प्ले करेंगे अमिताभ बच्चन जी का, शबाना आजमी जी रोल प्ले करेंगी रेखा जी का, एंड जया बच्चन रोल प्ले करेंगी अपना? नहीं सोचा था ना? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन बेटा बन गई पिक्चर। क्यों? क्योंकि असली प्यार और रात को दी गई गले में लव बाइट छुपाई नहीं छुपती। इस पिक्चर को देखते हुए तुम्हें बहुत सारी फीलिंग्स तो फील होंगी ही होंगी, लेकिन ये चीज भी बार बार रियलाइज होगी कि अगर दीपिका रणवीर की है, ऐश सलमान की है, तो रेखा भी अमित की है। हाय गाइस, मैं उशांतनु और रॉकी रानी की प्रेम कहानी रिलीज हो चुकी है। अब इस पिक्चर के आगे पीछे प्रमोशंस तो बहुत हैं, लेकिन हाइप बहुत कम, और इसके ट्रेलर को देखने के बाद एक परसेप्शन सी बन गई थी कि शायद ये पिक्चर क्रिंज निकल के आए। तो क्या ये बात सच है? क्या रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक क्रिंज फिल्म है या फिर एक वर्थ वॉचिंग फिल्म है? और सबसे बड़ी बात, क्या ये इस साल की सबसे बड़ी फैमिली एंटरटेनर टर्म करी जा सकती है? इसी के बारे में बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइस, क्या रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक ऑब्नॉक्शियस ओवर द टॉप लाउड शाइनी टिपिकल करण जौहर फिल्म है? तो हाँ वो है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बट है, और वो बट तुम्हें भी उतना ही सरप्राइज करेगा जितना मुझे सरप्राइज करेगा जब ये तुम फिल्म देखोगे, क्योंकि ये फिल्म कुछ भी प्रिटेंड नहीं करती वो बनने के लिए जो कि ये नहीं है। ये पिक्चर एक स्टार्क एग्जांपल है, और ये चीज क्लियर कर देती है कि रणवीर सिंह एक बहुत ही फाइन एक्टिंग टैलेंट है, और साथ ही वो ऑलमोस्ट एनी स्क्रिप्ट, एनी टाइप ऑफ स्क्रिप्ट को पुल ऑफ कर सकता है इफ गिवन द राइट डायरेक्टर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब उसको जो स्क्रिप्ट दी जाती है वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है। वेरी ऑनेस्टली, सर्कस में रणवीर की कॉमेडी देख के एंड हाउ ही एक्चुअली कैरीज हिमसेल्फ इन द रियल लाइफ एज वेल, आई वॉक्ड इनटू रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक्सपेक्टिंग नथिंग। मेरे को तो ये लग रहा था कि भैया ये भी सर्कस की तरह क्रिंज कॉमेडी होने वाली, क्योंकि इसका ट्रेलर कुछ खास तरीके से काटा नहीं गया था। बट जब तुम ये पिक्चर देखोगे, इसमें जो जोक्स रणवीर को दिए गए हैं और जिस हिसाब से वो जोक्स डिलीवर करता है, दे आर एब्सोल्युटली हिलेरियस। सीता 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 सीता, हे ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। दो तीन जोक्स को अगर साइड कर दिया जाए तो जो मेजॉरिटी कॉमेडी है फिल्म के अंदर वो सारी की सारी बहुत अच्छी तरह लैंड करेगी, और तुम उसको देख के हंसोगे थ्रू आउट द फिल्म। रणवीर को पिक्चर के अंदर जो जोक्स दिए गए हैं वो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर है, विच मेक्स द जोक्स रियली गुड। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉट के अंदर रणवीर ने ना एक एम्ब्रॉयडरी वाला वो पहना होता है, शेरवानी पहनी होती है, और वो आलिया से कुछ बात कर रहा होता है, तो वो आलिया को बोलता है कि भैया हाँ मैं कपड़े तो औरतों के स्टाइल वाले पहनता हूँ, लेकिन दिल मेरा ओल्ड स्कूल आदमियों के स्टाइल वाला है। सो यहाँ पे तुम देखो, रणवीर को पता है कि भैया उसकी बाहर ऑफ स्क्रीन क्या परसेप्शन है, लोग उसको ये बोलते हैं कि अपनी बीवी के कपड़े पहन लेता है, स्टफ लाइक दैट, एंड दैट हैज बीन टेकन इन अ वेरी गुड हेल्थ हेयर, एंड व्हिच मेक्स द जोक्स वेरी गुड। इशिता मोहित्रा और शशांक खेतान ने इस कहानी को लिखा है, और वो कहानी देख के, ये पिक्चर देख के तुम्हें समझ आ जाएगा कि जब ये दोनों ये कहानी लिख रहे थे तो इनके दिमाग में करण जौहर का वर्ल्ड चल रहा था। मतलब कि एक पंजाबी ऑब्नॉक्शियस लड़का है, और वो फुल ब्लोन ऑब्नॉक्शियस है। अब ये वाला कैरेक्टर ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग भी हो सकता था, जो कि मेरे को ट्रेलर में देख के लग रहा था कि यार ये फिर वही अपने जैसा ही रोल प्ले कर रहा है, इरिटेटिंग सा लगेगा, क्रिंज कॉमेडी करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था पिक्चर के अंदर। रणवीर का कैरेक्टर एक फिल्दी रिच पंजाबी ब्रैट का है, जिसके घर वालों का करोड़ों का धंधा है, और वो फरारियों और लैम्बर्गिनियों में हांडता है यहां से वहां। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा अनरिलेटेबल लग सकता है, लेकिन ये पिक्चर कहीं भी तुम्हारे को एज एन ऑडियंस ये कन्विंस करने की कोशिश करेगी नहीं कि तुम किसी भी कैरेक्टर से रिलेट करो पिक्चर में। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। कभी खुशी कभी गम याद है, उस पिक्चर के अंदर सारे के सारे धीपीटी के कैरेक्टर्स बहुत अमीर थे, लेकिन कभी भी एज एन ऑडियंस किसी ने उस पिक्चर को देखते हुए ये सोचा कि यार हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे, मेरे पास इतना बड़ा ना हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे फ्रंट यार्ड के अंदर? ये इस पिक्चर में भी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी में भी आपके साथ यही होगा। यू एंटर इनटू अ करण जौहर वर्ल्ड जो ऑब्नॉक्शियसली रिच है, एंड इट्स नॉट अशेम्ड अबाउट इट। एज एन ऑडियंस तुम्हारे को देखने में मजा आएगा जो भी चल रहा है पिक्चर के अंदर। द प्रॉब्लम इज कि हमारी फैमिली इज बहुत अलग। ट्रेलर देख के मेरे को ये लग रहा था कि भैया रणवीर और आलिया की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है ना फिल्म के अंदर, वो केमिस्ट्री लगेगी नहीं कहीं से, क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे ये लग रहा था कि ये लवर से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। लेकिन जब तुम पिक्चर देखोगे ना, मेरे हिसाब से ट्रेलर बहुत बुरा कटा है, क्योंकि पिक्चर जब तुम देखोगे तो आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की जो केमिस्ट्री है, इट विल टेक यू बाय अ सरप्राइज, इट्स सो गुड। ट्रेलर में एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थी वो था दिल्ली का एक्सेंट रणवीर सिंह का, जिस हिसाब से चीजों को प्रोनाउंस कर रहा था ऐसा लग रहा था ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ दिल्ली का रिच ब्रैट। ये चीज तुम्हें पिक्चर में शुरू के 10 से 15 मिनट लगेगी, उसके बाद नहीं लगेगी। उसके बाद इनफैक्ट उसका जो दिल्ली वाला एक्सेंट है वो तुम्हारे को नॉर्मल लगने लगेगा, एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन यू, एंड ही हैज डन अ वेरी फाइन जॉब ऑफ पिकिंग अप दैट एक्सेंट एज वेल। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया, मैं तो कहता हूं आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा, शमिता तो है नहीं। बात करी जाए आलिया के बंगाली एक्सेंट की, तो हां वो जब अपनी फैमिली से एज अ बंगाली फैमिली बात करती है तो वो क्विकली एक्सेंट को पकड़ लेती है, लेकिन ये मत भूलना पिक्चर में कि वो ये एक बंगाली फैमिली है जो दिल्ली में सेटल्ड है, तो वो दिल्ली वाला डायलेक्ट भी उसका रहेगा ही। तो अगर वो हिंदी
दिल्ली बोल रही है तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि उसमें थोड़ा सा बंगाली टच होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता दिल्ली के अंदर। अगर पंजाबी है तो वो अपनी फैमिली में अगर पंजाबी बात कर रहा है ना, तो वो दिल्ली का लड़का ही हो जाएगा बाहर आके भीड़ के अंदर। और ऐसा ही मेरे ख्याल हर कल्चर के साथ होता है जो भी दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। फिल्म टच अपॉन करती है टिपिकल पेट्रियार्कल कल्चर पे और विमेन एम्पावरमेंट पे। अब ये कुछ नया नहीं है, हमने ये बहुत बार देखा है, इनफैक्ट बहुत घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन जिस हिसाब से ये फिल्म उस चीज से डील करती है, जिस हिसाब से करण जौहर ने वो वाले सीक्वेंसेस को शूट किया है ना, कि भैया कुछ औरतें हैं जो बहुत ही रिच खानदान में हैं लेकिन अपने ही घर के अंदर घुटके रह रही हैं। अब अगर आप यहां पे कॉन्ट्रास्ट देखोगे, करण जौहर आज तक अपनी पिक्चरों में इन्हीं चीजों को पुश करता है, लेकिन वो यहां पे रीलर्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया वो बहुत ही अलग चीज करना चाह रहा है अपने ही सेम वर्ल्ड की सेटिंग के अंदर, एंड दैट्स वेरी एडमायरेबल। और यही विमेन एम्पावरमेंट, पेट्रियार्की और मिक्स्ड विद कॉमेडी जब तुम देखोगे स्क्रीन पे, एंड इनफैक्ट जब तुम अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये देखोगे एज अ फैमिली, तो तुम्हारे को अच्छा लगेगा। इट्स अ फील गुड फिल्म। मतलब तुम अगर 2-2.5 घंटे बिता रहे हो ना थिएटर के अंदर, तुम 300-400 रुपए टिकट पे खर्च रहे हो, तो तुम्हारे को ये निकल के लगेगा कि हाँ भाई वर्थ थी फिल्म, टाइम वेस्ट नहीं किया। ना क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। पिक्चर में बंगालियों को और पंजाबियों को स्टीरियोटाइप करा गया है। ट्रेलर में ये चीज लग रही थी कि स्टीरियोटाइप करा जाएगा, और वो तुम्हारे को पूरी की पूरी पिक्चर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दैट्स एनीथिंग टू बी ऑफेंडेड अबाउट, एज फार एज द स्क्रिप्ट इज गुड एंड डज नॉट डिमीन एनी कल्चर व्हेन इट कम्स टू द जोक्स। और इस पिक्चर के अंदर भी वही है, जोक्स बहुत हेल्दी है। ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे को बहुत ही फोर्स जोक मार रहा है जस्ट बिकॉज वो एक बंगाली है, जस्ट बिकॉज वो एक पंजाबी है। कहानी टिपिकली करण जौहर की फिल्मों की तरह होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया है और एंगेज करके रखेगी तुम्हारे को। धर्मेंद्र साहब से जितना बन पड़ा इस उम्र में उन्होंने इस पिक्चर में वो किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पिक्चर की सोल है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको जो डायलॉग्स दिए गए बहुत ही कम डायलॉग्स है। इनफैक्ट जो उनका रोल है, जो उनका कैरेक्टर है, वो एक ऐसे बुजुर्ग का है जो जिसको मेमोरी की इश्यूज है, वो चीजों को बार बार भूल जाता है। एंड द सेम थिंग गोज फॉर शबाना आजमी जी, वो बहुत ग्रेसफुल लग रही है लेकिन उनका बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है, बट हां धर्मेंद्र जी से ज्यादा है फिल्म के अंदर। जया बच्चन जी भी बहुत अच्छा काम किया है, जो भी उनको रोल दिया गया उन्होंने बखूबी निभाया। वो मुझे ऐसा लगता है कि भैया हाँ वो अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रही हैं एज अ स्नूटी ओल्ड वुमन, एंड शी डज अ वेरी गुड जॉब एट इट। प्रेम कहानी की औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। ये तो हो गई फिल्म के बारे में अच्छी बात है। कुछ चीजें जो इस फिल्म में काफी मुझे इरिटेटिंग लगी और इंप्रूव करी जा सकती थी, उनमें से सबसे पहली थी इस पिक्चर का रन टाइम। 2.5 घंटे से ऊपर की फिल्म है ये, इनफैक्ट 2 घंटे 45 मिनट लगभग इस फिल्म का रन टाइम है, जो कि अगर ये फिल्म 2 घंटे में कैप कर दी जाती तो ज्यादा अच्छी रहती। कुछ एक दो शॉट्स में मेरे को यह भी लगा कि स्टीरियोटाइपिंग ज्यादा हो गई, पंजाबियों को कुछ ज्यादा ही हार्डकोर स्टीरियोटाइप कर दिया और बंगालियों को भी हार्डकोर स्टीरियोटाइप कर दिया। ऑल्दो वो हेल्दी था, लेकिन अगर इसको थोड़ा सुपरफिशियल रखा जाता तो भी जो ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो कन्वे हो सकता। तो ओवरऑल यार मेरे हिसाब से रॉकी रानी की प्रेम कहानी एक बुरी फिल्म नहीं है, बहुत एक्सीलेंट या बहुत आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, एक टिपिकल करण जौहर फिल्म है, लेकिन ये फिल्म बुरी नहीं है एंड इसको उतनी आईबॉल्स नहीं मिल रही हैं जितनी इसको मिलनी चाहिए। उसका एक रीजन मेरे को ये लगता है कि रणवीर सिंह से जो लोगों का कनेक्ट है ना वो टूटता जा रहा है बिकॉज ऑफ हिज ऑफ स्क्रीन पर्सोना। बट यार क्या वो चीज़ ठीक है? क्या हमारे को एक अच्छे एक्टर से एक रिलेशन तोड़ लेना चाहिए जस्ट बिकॉज हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ ऑफ द स्क्रीन? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मेरे को भी बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं यहाँ पे, बट आई लाइक द फिल्म। मैं भी तुम्हारे को यही बोलूंगा कि हाँ भाई जाके देख सकते हो, यू शुड गिव इट अ शॉट फॉर वंस एटलीस्ट। अगर यहां नहीं तो भैया कल को Amazon Prime पे अगर आ जाती है वहां पे देख लेना। इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनर। तुम्हें कैसे लगी कमेंट्स में कमेंट छोड़ते जाना। तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय, और हाँ अमित की रेखा ही रहेगी। बाय। अरे जाने से पहले एक बात तो बोलनी भूल गया मैंने अच्छा रिव्यू दे दिया यार करण जौहर की फिल्म का। अब तो क्या कमेंट आने चाहिए, पेड रिव्यू कर देना कमेंट। मुआ लव यू, बाय बाय।